पानीपत में श्री राम के राज्याभिषेक के साथ ही विराट कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। कवि सम्मेलन भी ऐसा कि जिसने दर्शकों को रुलाया तो खूब हंसाया भी। पानीपत के 250 साल पुराने ऐतिहासिक देवी मंदिर के रामलीला मंच से लीजिए मधुबनी बिहार से आए शंभु शिखर। वाह वाह। मेरे विषय में आपको बताया भाई साहब ने, मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ। वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। बहुत अच्छे। पानीपत में भी बहुत बिहारी हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। आदर्श जी भाई साहब कहाँ गए? इधर ही बैठे। यहाँ पे बहुत बिहारी है, उन्होंने बताया मुझे। मुझे बिहारी कोई बता रहे थे कि यहाँ बहुत बिहारी है। मतलब कमाल है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं भाई साहब। सारा कसूर आप लोगों का। बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता है। बोला हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोले निकल यहां से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मुछे। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया। अगले दिन मैं बुरका ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे? बोला भाई साहब आपको दो दिन से मना कर रहा हूं, बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी? तो उसने जो जवाब दिया आप लोगों तक पहुंच जाए। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। नैनीताल से आई गोरी मिश्रा अपने साथ मोहब्बतों का पैगाम लाई। इन्हें बस जनवरी दे दो दिसंबर मांग लेते हैं, जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं, जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या की लड़की बनी है कौन मिट्टी के, बताओ क्या की लड़की बनी है कौन मिट्टी के, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से पधारे पद्मश्री अवार्डी सुरेंद्र दुबे। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली, बाबा की एक आंख बंद हुई जो आज तक नहीं खुली। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, हमारे गांव का हर बूढ़ा चश्मा पोंछ के टीवी का आगू बैठ जाता था। हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से का लेना देना? बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस है। जब तक सांस है तब तक आस है, और ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना है, इसमें तो अपना भी चांस है। ताली बजाओ, सांस लेना है। मैं पहली बार आया, मैंने पूछा आपके एक आदमी से, आपका बेटा तुतलाता है का? बोले हमेशा नहीं तुतलाता है, बोलता है तब तुतलाता है। इसीलिए कहता हूँ व्यापारी से बड़ा मैनेजमेंट कोई नहीं जानता। जो MBA पढ़ते हैं बच्चे वो भी जानते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, कम लागत ज़्यादा प्रॉफिट, यही है मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु हिंदुस्तान में रहते हैं, जिनका नाम है बजरंग बली। लंका में आग लगाई मिट्टी तेल रावण का, माचिस रावण का, कपड़ा रावण का, लंका भी रावण की। 0 इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम आउटपुट, ये है मैनेजमेंट। और दिल्ली से आए डॉक्टर प्रवीण शुक्ला। अचानक लड़के ने लड़की से कह दिया आज की शाम तेरी जुल्फों की छांव में आराम करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही लड़की ने नकली बाल उतार के हाथ में पकड़ा दिए। बोले श्याम छोड़, 1 हफ्ते तक आराम कर लियो, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। और गौरी ये नैनीताल में होता है आपके यहाँ ऐसा? हमारे यहाँ दिल्ली पानीपत में तो मामला दूसरा है आजकल। एक छोटी सी कविता सुन लीजिए आप,
गोविंद व्यास जी ने लिखा कि सोमवार को आंख लड़ गई, मंगल को इकरार हो गया, बुधवार को हंसकर बोली और गुरु को प्यार हो गया, शुक्रवार को बातें की थी, समझा बेड़ा पार हो गया, अगले दिन की छुट्टी पड़ गई, सब कुछ बंटा भाग। तो प्यार कई बार वीकली प्रोग्राम जैसा हो गया। और आधी रात को 12:30 बजे बारी आई कवि सम्मेलन के सबसे बड़े हस्ताक्षर डॉक्टर हरिओम पवार की, जिन्होंने वीर रस से बाबा रामदेव से लेकर पीएम तक के कान खड़े कर दिए। भारत ने हर समझौते का आदि बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदि बनना छोड़ दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बाला को देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बाला को। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन, भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला अपना होने वाला है, मोदी है तो मुमकिन है कल ये सच होने वाला है, मोदी है तो मुमकिन है कल ये सच होने वाला है, हम भी दुनिया के दादा है भी सुनाता फिरता हूँ। अग्नि जाट की शादी नहीं हो रही तो उसको किसी ने सलाह दी कि तुम ऐसा करो देवी की पूजा करो, जाट बोला अगर मैं देवी की पूजा करता तो मैं जाट होता, अग्रवाल नहीं होता, गुप्ता नहीं होता, जाट नहीं करते देवी जी की पूजा। लेकिन उसको समझाया, मैं कहा देवी जी की मत करो, तुम हनुमान जी की पूजा कर लो, जाट छुटते बोला उसकी तो खुद नहीं हुई थी। तो एक दिन जाट अपने खेतों में हल जोतने के बाद बैलों को साथ लेके, पंडित जी को साथ लेके हनुमान जी की पूजा करने चला गया, जैसे जैसे पंडित जी ने बताया ऐसे हनुमान की पूजा की। अब पंडित जी ने कहा कि घंटी बजाओ, तो जाट के हाथ में बैलों की रस्सी थी, जाट ने कहा पंडित जी से, पंडित जी रस्सी तुम पकड़ लो, तो बैलों की रस्सी पंडित जी को पकड़ा दी और घंटा बजाया, घंटा बजाया तो बैल भी दक गए, बैल भी दक कर भागे तो रस्सी पंडित जी के हाथ में फंस गई। अब दृश्य देखना, आनंद लेना, आगे आगे बैल भाग रहे हैं, पीछे रस्सी में पंडित जी के हाथ फंसे हुए हैं, पीछे पीछे पंडित जी भाग रहे हैं, उसके पीछे पीछे जाट भाग रहा है, रास्ते में देवी का मंदिर था, आनंद लेना सा पूरा आनंद लेना। तो देवी ने मजाक सूझा, देवी को विनोद सूझा, तो पंडित जी से बोली पंडित जी कहां सुबह सुबह भागे जा रहे हो, तो पंडित जी बोले देवी आज तक तूने बनियों का ब्राह्मणों का ब्याह कराया होगा, जब किसी जाट का कराएगी ना तो पता चलेगा कितना भागना पड़ता है। देवी मंदिर के रामलीला मंच से श्री राम का राज्याभिषेक पानीपत के समाज सेवी सुरेंद्र रेवड़ी के हाथों कराया गया कि श्री राम का ये मंच आपके लिए सिद्ध मंच साबित हुआ है, आशीर्वाद। सहयोगी श्रीनिवास के साथ वीरेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। श्री रामलीला कमेटी का